हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं जानता हूं कि आप आज बहुत खुश होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे हमारे प्रेडिक्शन को देख के। और हमारे प्रेडिक्शन को सच में अगर आपने एनालाइज किया होगा, सच में आपने अगर उस प्रेडिक्शन की अहमियत पहचानी होगी, तो आज आप बहुत खुश होंगे गाइस। क्योंकि बैक टू बैक 3 मैचेस, एक नहीं दो नहीं 3 मैचेस हमारे बैक टू बैक सही हुए गाइस। और एक तरीके से अपने आप में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 12th मैच की ख़त्म होने के बाद 13th मैच की। 13th मैच में आपको बता दूं, दो टीम्स का मैच होने वाला है, जो कि है मुंबई इंडियंस एंड किंग 11 पंजाब गाइस। तो आप देख सकते हैं दोनों के प्लेयर मेरे पास ऑलरेडी रेडी हैं। दोनों टीम का एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ। और दोनों टीमों ने 3 मैचेस खेले हैं, 3 में से 2-2 मैच हारे हैं, 1 मैच जीता है गाइस। तो देखना होगा ये अब आगे जाके क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट आपको बता दूँ, मुंबई इंडियंस थोड़े से एडवांटेज में है, क्योंकि ये मैच होने वाला है शेख जायद आबू धाबी में। आबू धाबी के स्टेडियम में अभी तक मुंबई इंडियंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, मैच भी जीता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस थोड़ा सा अपना पलड़ा भारी रखने वाली है। और लेकिन एक बहुत ही अहम बात यह है कि दोनों टीम में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि 5 ओवर तक आपको लगेगा कि ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है, फिर आपको 10 ओवर तक लगेगा यार ये टीम में 2 आउट हो गए हैं, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट 16 ओवर्स तक ऐसा लगेगा ये टीम तो गई, और उसके बाद क्या होगा इन लास्ट के बचेंगे 4 ओवर, और 4 ओवर में गेम पूरा बदल जाएगा गाइस। तो ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों टीम का जीतने के चांसेस 50-50 हैं। कोई भी आपको इसका करेक्ट प्रेडिक्शन दे ही नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी इसका करेक्ट प्रेडिक्शन देने की तैयारी कर रहे हैं। हम ऑलरेडी एक अच्छी अचीवमेंट पे हैं गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज परी का प्रेडिक्शन अगर सही हो जाता है, इसका मतलब इससे बढ़िया प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता। हम ऑलरेडी ये मैच प्रेडिक्ट करने वाले हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट गाइस एंड लुक इनटू दिस। लेकिन उससे पहले आप में एक छोटा सा वीडियो जरूर फॉलो कीजिए गाइस। तो लेट्स लुक इनटू दिस। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाउ आई लव प्लेइंग क्रिकेट गाइस, और आज आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त कूल ऐप लेके आने वाला हूँ गाइस, जिसका नाम है माई 11 सर्कल। और दोस्तों, इस ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप लिटरली चैंपियंस के साथ खेलने वाले हैं, जो कि जैसे कि आप मान लीजिए सौरव गांगुली, राशिद एंड वॉटसन गाइस। प्लेइंग फैंटेसी क्रिकेट बहुत ही आसान है खेलना, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करना है दोनों टीम में से, और आप ये टीम बहुत अच्छे से बना सकते हैं गाइस। माई 11 सर्कल में आपने एक इंडियन T20 लीग बनाइए, और साथ ही साथ आपको बता दूं सौरव गांगुली ऑलरेडी अपनी टीम बना चुका है। सो गाइस, यू कैन बीट हिम एंड यू कैन मेक योर कैश डबल। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कोई एक बंदा यहाँ पे करोड़पति बन सकता है गाइस एवरी वीक। तो मैं आपको दूसरी और बात बता दूं कि ये जो विनर्स होंगे उनका डायरेक्ट क्रेडिट होगा उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और ये बहुत ही सिक्योर है गाइस। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक बड़े पैसे जीते हैं, और आप भी इनमें से हो सकते हैं गाइस। तो जल्दी से जाइए और माई 11 सर्कल डाउनलोड कर लीजिए। और आप अगर फर्स्ट टाइम इसको डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, तो आप 1500 का डायरेक्ट बोनस अमाउंट पाएंगे गाइस। और साथ ही साथ अगर आप में सब्सक्राइबर हैं, तो आप में स्पेशल सब्सक्राइबर है गाइस अगर आप में, तो जल्दी से जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में और डाउनलोड कीजिए इस ऐप को। DJ Shireen.
दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था, जो मेरा एनालिसिस था, जो मैंने आपको कहा था कि मुंबई इंडियंस को थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा और भाई ने भी वही प्लक उठाया है, इसका मतलब मुंबई इंडियंस को उसने जिताया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपना एनालिसिस अलग तरीके से दिया था, लेकिन ये रियल प्रेडिक्शन है भाई का। मैंने उसे कुछ नहीं बताया है, शी ओनली पिक दिस टीम। गाइस, होप फॉर द बेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि हमारा बैक टू बैक कम से कम 5 मैचेस तो सही हो गाइस। और इसमें जो मज़ा है, इस जीत का जो मज़ा है, वो जीत का आनंद मेरे साथ साथ आप सब भी उठाएं। ओ थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।